हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षाज किचन डॉट कॉम। आज मैं बनाऊंगी ये स्टफ्ड आलू भरमा पकोड़े, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर ना पसंद आए तो प्लीज़ डिसलाइक भी करें, पर हमारे चैनल पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेड के भरमा पकौड़े बनाने के लिए मैंने ली है ये 8 ब्रेड स्लाइसेस। बेसन का घोल बनाने के लिए मैंने लिया है ये 200 ग्राम बेसन, आधा चम्मच अजवाइन, एक चुटकी मैंने लिए खाना सोडा, आधा चम्मच नमक, और आधा चम्मच लिए मैंने लाल मिर्च पाउडर। स्टफिंग के लिए लिए हैं मैंने, देखिए, 9 उबले हुए आलू। पकौड़े को चटपटा बनाने के लिए एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और एक प्याज बारीक कटी हुई। पकौड़े की स्टफिंग को मज़ेदार बनाने के लिए, बहुत ही चटपटा बनाने के लिए मैंने ली है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच लिया है चाट मसाला पाउडर, और इसको कलर देने के लिए थोड़ी सी मैंने ली है हल्दी, और एक चम्मच सफ़ेद नमक, और आधा चम्मच ली है मैंने काली मिर्च पाउडर, और चुटकी भर ली है मैंने हींग। सबसे पहले हम पकौड़ों का घोल तैयार कर लेंगे। तो बेसन एक बाउल में डाल लिया है, अजवाइन, नमक, और ये मिर्च, और थोड़ी सी ये खाना सोडा लिया था, तो इसको इसमें डाल लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक मिर्च को देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मैं एक थोड़ा गाढ़ा घोल तैयार कर लेती हूँ, और घोल तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। पानी आप थोड़ा थोड़ा ही डालें। घोल को मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है, और ये इस तरह का होना चाहिए, और इसमें मैं अब डाल देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो हमारा बैटर तैयार है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए देखिए आलू को सबसे पहले मैश कर लेते हैं। तो मैंने अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लिया है, तो आलू को मैश कर लेते हैं। देखिए आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, तो इसमें जो हमने प्याज, हरी मिर्च और ये हरा धनिया लिया था, इस सभी को इसमें डाल देंगे। धनिया, प्याज और हरी मिर्च इसमें जा चुकी हैं, तो जो मसाले लिए थे सभी मसालों को इसमें डाल देते हैं, और मसालों को डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारा मसाला सभी आलुओं में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है, और हमारा बैटर भी एकदम रेडी है। तो अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पकोड़े बनाने के लिए पहले ले ली है मैंने, देखिए, 2 ब्रेड। तो मैं इसके ऊपर स्टफिंग लगा देती हूँ, पूरी ब्रेड पर अच्छे से फैला देंगे। देखिए स्टफिंग मेरी अच्छे से लग चुकी है, तो मैं इसके ऊपर ये दूसरी ब्रेड रख देती हूँ, और इसे मैं अच्छे से प्रेस कर दूँगी, और एक चाकू की सहायता से देखिए इस तरह से इसको कट कर लूँगी। देखिए ब्रेड को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, और बाकी के पकोड़े भी इस तरह से ब्रेड के बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए ये ब्रेड के पकोड़े मैंने, देखिए, इसमें स्टफिंग अच्छे से भर दी है। तो अब हम पकोड़ा तलना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है, और तेल भी अच्छे से गर्म है, तो हम इस तरह से उठाएंगे इसको, और इसे हम बैटर में डाल देंगे, और बैटर को इसको इस तरह से फैला लेंगे, जिससे हमारी सारी ब्रेड अच्छे से कवर हो जाएगी। तो देखिए ये हमारा हो गया रेडी, और इसे मैं उठा के कढ़ाई में डाल देती हूँ, और दूसरा पकोड़ा भी इसी तरह से डाल देंगे, और दूसरा पकोड़ा भी मैंने डाल दिया है, और इसे मैं मीडियम गैस पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देती हूँ। देखिए पकोड़ा हमारा एक साइड से सिक गया है, तो इसे मैं पलट देती हूँ। और इस साइड से भी इसे अच्छे से सिकने देते हैं। और पकौड़ों को मैं दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम गैस पर फ्राई कर लूँगी। देखिए पकौड़े हमारे सिक गए हैं, तो इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ब्रेड के आलू भरवा पकौड़े हमारे बनके तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी पकौड़े बने हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हेल्दी रहें, खुश रहें, थैंक यू।